अब जनपद चमोली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए कोर्ट की ओर से 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लोक अदालत आयोजित की जाएगी। वहीं इस संबंध में सिविल जज पुनीत कुमार ने बताया कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके तहत ही उन्होंने अपील की है कि जनपद चमोली में अगर कोई भी वादी ऐसा है जिनका सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लंबित है, तो उसके निस्तारण के लिए वो जिला न्यायालय गोपेश्वर में पहुंचकर विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंचकर जानकारी दे सकते हैं, जिसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, जहां पर मामले का निस्तारण होगा। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत जो आयोजित की जा रही है, वो दिनांक 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस मामले में जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित केसेस हैं, उनको सुलह समझौते के आधार पर उनका निस्तारण किया जा सकता है। इस संबंध में जो पक्षकार है और पक्षकारों को जो है, जैसे जनपद चमोली में जो भी लोग हैं और उनके सर्वोच्च न्यायालय में केसेस किसी उसमें लंबित हैं, तो वो अपने केसों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करा सकता है।